विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी थी और उसके बाद जो भी विवाद चल रहा था सौरव गांगुली के साथ, उसमें सौरव गांगुली को बहुत ही ज़्यादा घसीटा गया था। लेकिन उसके बाद जो है सौरव गांगुली ने खुद रिज़ाइन दे दिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी खबर आई है अभी अभी। टाटा आईपीएल 2022 का फाइनल इन्होंने करवाया जयशाह मिलकर, ये पूरा फाइनल बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन उसके बाद सौरव गांगुली ने जो ये खबर दी है, खुद इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको शेयर किया, और जो भी लोग इनके इस जर्नी में, इनका सफ़र में इसके साथ दिए हैं, उन सब का इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और इन्होंने बता दिया है कि अब मैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट से रिज़ाइन दे रहा हूं, और ये अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का जो पद है उससे वो हट गए हैं। सौरव गांगुली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक प्रेस रिलीज शेयर किया, जहां पर मैं आपको बता देता हूं कि वो एग्जैक्ट क्या लिखे हैं। वो लिखे हैं 2022 मार्क्स द 13th ईयर सिंस द स्टार्ट ऑफ माय लाइफ ऑफ माय जर्नी विद क्रिकेट इन 1992। मतलब कि 1992 में उनकी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई थी और आज 2022 है, तो उनको 30 साल हो गए इस पूरे क्रिकेट जर्नी में। उसके बाद वो लिखे हैं सिंस देन क्रिकेट हैज़ गिवन मी अ लॉट, मतलब कि क्रिकेट जब से लेकर अब तक क्रिकेट ने इनको बहुत कुछ दिया है। उसके बाद ये लिखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट हैज़ गिवन मी द सपोर्ट ऑल ऑफ यू, मतलब कि जितने भी लोगों ने इनको सपोर्ट किया इस पूरे सफ़र में, कितनी ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन सबका इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। इन्होंने लिखा है आई वॉन्ट टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी, मतलब इस पूरे सफ़र में जो भी इनके साथ जुड़े हैं उन सबका ये शुक्रिया अदा किया है। एंड लिखे सपोर्टेड मी एंड हेल्प्ड मी रीच वेयर आई एम टूडे, जो भी लोग इनको यहाँ तक पहुँचाने में सपोर्ट किया उन सबका इन्होंने खास तौर से जिक्र किया, खास तौर से उनका शुक्रिया अदा किया। एंड ये लिखते हैं आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग दैट आई फील विल प्रोबेबली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, आई होप यू कंटिन्यू योर सपोर्ट एज आई इंटर द चैप्टर ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली ने बोला है कि जैसा आपका पहले सपोर्ट था और जब मैं इस चैप्टर को बंद कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका वैसा ही सपोर्ट रहेगा। तो अब ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से हट गए, इनका ये जो भी जर्नी रहा 6-7 सालों का इंडियन टीम के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा, तो आप ही वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अच्छा था कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम से अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये रहे हैं उस बीच में बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ है, और इनके पास भी एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है जब से ये प्रेसिडेंट बने, तो ये इनके लिए भी फिर ये बात आनी चाहिए जैसे हम इंडियन कैप्टन के बारे में बात करते हैं। तो आपकी क्या राय है, जब तक ये प्रेसिडेंट थे इंडियन टीम के, क्या कुछ बदलाव आया या कुछ जो इन्होंने अपनी कैप्टनसी में पहले की थी, तो उसके ऊपर आपका कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये खबर आई है ये मैं आप तक शेयर कर दिया हूँ, आगे जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।